पाकिस्तान में होने जा रहा आम चुनाव कई मायनों में इस बार ऐतिहासिक होगा। चाहे चुनावों में पहली बार महिलाओं की अधिक भागीदारी की बात हो या कई नेताओं को चुनाव न लड़ने की इजाजत हो, आइए जानते हैं वो कौन सी पांच बातें हैं जो पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी हैं, जिन्हें आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान में हमेशा से सत्ता पर सेना हावी रही है। पाकिस्तान में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सैन्य विद्रोह का इतिहास रहा है और कई बार ऐसा हुआ है कि सेना ने सत्ता की कमान सरकारों से खींची है, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा कि एक निर्वाचित सरकार किसी असैन्य सरकार को सत्ता सौंपेगी। पाकिस्तान में इस बार के चुनाव कई मायनों में खास होंगे। इस बार चुनावों में कई नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पिछले ही साल चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बता दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में हाल ही में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस बार के चुनावों में पाकिस्तान की राजनीति में आतंकवादी समूहों की एंट्री हुई है। चुनावों में ईश निंदा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए पाकिस्तान में फांसी की सजा का प्रावधान है। इस बार के चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले के चुनावों के मुकाबला कहीं ज्यादा है। कुल 272 सीटों में से 177 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ी है। कुल 342 सीटों में से 177 सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ी है, तो पहली बार पाकिस्तान में एक महिला उम्मीदवार अली बेगम, जो पुरुष कबायली इलाके से चुनाव लड़ रही हैं, इनका नाम भी काफी चर्चाओं में है। पाकिस्तान में पहली बार चुनावों में ट्रांसजेंडर्स चुनाव लड़ेंगे। इस बार 5 ट्रांसजेंडर्स को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है। ट्रांसजेंडर्स पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूह से आते हैं। साल 2013 से वो चुनाव में भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अब जाकर पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।